नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या भारत में बेरोजगारी को लेकर कोई आंदोलन चल रहा है? क्या बेरोजगारी के आंदोलन में सिर्फ वही युवा शामिल हैं जो जिंदगी के कई साल सरकारी नौकरी की परीक्षा में लगा देते हैं? क्या समाज का एक तबका इन युवाओं से कोई सहानुभूति भी रखता है? सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजों में लाखों रुपए की फीस देकर 10,000 की नौकरी ना पाने वाले छात्र क्या इस आंदोलन में शामिल हैं? लाखों लोग पक्की नौकरी की आस में कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करते हैं और निकाल दिए जाते हैं, क्या वे इस बेरोजगार आंदोलन में शामिल हैं? बहुत से शिक्षक जो कई साल से कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे हैं, क्या वे इस लड़ाई में शामिल हैं? क्या वे लोग भी शामिल हैं जिनकी तालाबंदी में नौकरियां चली गईं? क्या सैलरी क्लास वाले 80 लाख भी इस आंदोलन में शामिल हैं जिनकी जुलाई और अगस्त में नौकरी चली गई? यह इतना आसान प्रश्न नहीं है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आपको इसी तरह के सांचे में ढाल दिया है। बहुत ज्यादा क्या क्या नहीं करना चाहता, लेकिन आपको कैरम बोर्ड से समझाना चाहता हूं। कैरम बोर्ड के सेंटर में जमा गोटियों को ठीक से देख लीजिए। ये देश के युवा, आपको लग रहा होगा कि रोजगार के सवाल पर एकजुट हो गए, गोटियों की तरह एक दूसरे के करीब आ गए। आप ऊपर से देख रहे हैं मगर इसके भीतर का हिस्सा नहीं दिखेगा। मैं बताता इन युवाओं में सांप्रदायिकता और आरक्षण को लेकर जो भ्रांतियां भर दी गई हैं, जो कबाड़ भरा गया है, वो दिखाना चाहता हूं। वो नौकरी की कमी को, अवसरों की कमी को कारण नहीं मानेंगे, आरक्षण को मानेंगे। नौकरी ही नहीं होगी तो आरक्षण भी किसी को नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट और बिना पेंशन की नौकरी पर कम आरक्षण को दिन रात ज्यादा दोष देगा और अपने भीतर जहर भरता रहेगा। दूसरा जहर है सांप्रदायिकता। जो युवा इसकी चपेट से बाहर आने का प्रयास भी करेगा, उसे पसीने आएंगे, पेट में दर्द होगा, प्यास लगेगी। जहर और नशा का असर ऐसा ही होता है। प्राइम टाइम में इस मुद्दे को एक दिन नहीं, कई साल से कवर कर रहा हूं। रोज इन युवाओं से बातें करता हूं, सैकड़ों मैसेज पढ़ता हूं। कोई भी चालाक नेता एक तेज स्ट्राइक से इन गोटियों को बिखेर सकता है और ये बिखर भी जाएंगे। इसलिए बेरोजगारी के प्रश्न पर एकजुट से दिखते युवाओं से ना तो विपक्ष को उत्साहित होना चाहिए ना सरकार को निराश। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। आप सुंदर सा बागीचा एक मिनट में रौंद सकते हैं, मगर शहर के बाहर जो कबाड़ का पहाड़ है उसे आसानी से नहीं हटा सकते। ये भ्रांतियां, सांप्रदायिकता, आरक्षण को लेकर ये सब कबाड़ के पहाड़ बना दिए गए हैं लोगों के दिमाग में। चूंकि मेरे दर्शक अंग्रेजी के हैं इसलिए आसान हिंदी में बता रहा हूं। कई बार मुझे लगता है कि स्पेन और पुर्तगाल में ज्यादा लोग मुझे देखते हैं, इलाहाबाद, पटना और कोटा में कम। अब प्रश्न यह है कि क्या सांप्रदायिकता और आरक्षण के नाम पर जहर नहीं भरा गया होता तो रोजगार का समाधान हो जाता? अच्छा प्रश्न है। यह निर्भर करता है कि आप रोजगार के सवाल को कैसे देखते हैं। वो सवाल अपनी परीक्षा, अपना रिजल्ट, अपनी भर्ती, अपनी ज्वाइनिंग तो नहीं है। प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयां। उन्हीं के जन्मदिन पर बेरोजगारों ने बेरोजगार दिवस मनाने का फैसला किया और आंदोलन चलाया ट्विटर पर। अब आप मीम देख रहे हैं, पोस्टर भी कह सकते हैं। बेरोजगार दिवस पर तरह तरह के मीम बनाए गए हैं। इनमें से कुछ कांग्रेस, सपा और राजद की तरफ से भी बनाए गए होंगे, मगर ज्यादातर युवाओं ने बनाए हैं। ऐसे मीम को ठीक से देखिएगा। इन्हीं के जरिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हमारे युवा खत्म किए गए। अब वही युवा मीम बनकर ट्विटर पर चीख रहे हैं। जिस गोदी मीडिया ने इन्हें कथित रूप से राष्ट्रवाद के नाम पर भीड़ में बदला,
अब उसी मीडिया में 30 सेकंड के कवरेज के लिए तरस रहे हैं। कुछ तुम भी कहो नौजवानों, रवीश कुमार ने बात ठीक कही कि नहीं कही? अब तुम बस एक मीम हो, जनता नहीं। जनता दिखती है, उसे कोई गायब नहीं कर सकता, मीडिया ना सरकार। सबको पता है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री ट्विटर पर सक्रिय हैं, तो बेरोजगार नौजवान वहां पहुंच गए। आज दोपहर 1:30 बजे तक हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के कुल 32 लाख से ज्यादा ट्वीट हो चुके थे और ये नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा था। अगर मैंने गलती से भी लड़ाई और आंदोलन शब्द का जिक्र किया है तो दिल्ली पुलिस से माफी मांगता हूं। मेरी तरह चक्का जाम करने वाले किसानों को भी माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने दंगों की चार्जशीट में लिखा है कि चक्का जाम लोकतांत्रिक नहीं है, देख लीजिएगा। तो अब आप क्या करेंगे? आप चक्का जाम को चक्का चालू कहें, हल्ला बोल को जुबान बंद कहें, आक्रोश रैली को मिमियाऊ रैली कहें, चेतना रैली को मति भ्रष्ट रैली कहें और आंदोलन को आरती कहें, जो कि हो भी चुका है। लड़ाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, व्हाट्सएप में तो बिल्कुल नहीं। लड़ाई की जगह दोस्ती लिखें, संघर्ष की जगह हर्ष लिखें। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, यानी प्रश्न लाइक योगा। थोड़ी युवाओं की भी सुन लेते हैं, वाकई बहुत परेशान हो गए हैं वो। ओ जी, रोटी से न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत चपरासी से लेकर के पीसीएस तक में 7 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है सरकारी पदों में। प्राइवेट संस्थानों में दिन पर दिन कर्मचारियों की छटनी हो रही है। अगर हम स्वरोजगार करने जाएं तो बैंक में हमारे डिग्रियों की जगह खसरा और खतौनी मांगे जा रहे हैं। इस भयावह परिस्थिति में इस देश की सरकार जो पद है भी उसको अभी संविदा पर करने जा रही है। और आपको 10-20-50 की संख्या में जरूर है, लेकिन जब आपके सामने 10-20-50 हजार की संख्या में आएंगे तो योगी जी आपको घुटने टेक देना पड़ेगा, छोड़ के हट जाना पड़ेगा। हमारे देश के स्वघोषित, उनका जन्मदिन है कि नहीं यह पता नहीं, लेकिन उन्होंने घोषणा की आज उनका जन्मदिन है, स्वघोषित विश्वकर्मा जी को उनके कामों को याद दिलाने के लिए आज हम लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हर एक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। 2 करोड़ रोजगार का तो छोड़ दीजिए, आज 6 साल हो चुका है, 50 लाख रोजगार जा चुके हैं और 1 लाख रोजगार का भी सृजन नहीं हुआ है। और लगातार जितनी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां थी उनको सरकार के द्वारा बेच दिया जा रहा है और लोगों का रोजगार जा रहा है। इसलिए आज हम लोग इस अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर जितने भी फॉर्म हैं उनको दिखा रहे हैं कि यह जो फॉर्म निकलता था यह बंद क्यों हो गया। जैसे मैं बीए का पार्ट 1 का छात्र हूँ, अब तो मुझे अगर अभी मैं पढ़ाई करता हूँ 1-2 साल बाद तो फिर तो मेरे फ्यूचर अंधकार में चल जाएगी। और मेरा ही फ्यूचर क्या, अभी जितने सारे भी युवाएं हैं उनके वो उन सबों के फ्यूचर अभी अंधकार में चल जाने वाले। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार और हेमंत सोरेन जी को कि वो लोग कुछ सोचे हमारे बारे में, क्योंकि अगर आज हम लोग पढ़ाई करें तो यही सोचे कि आगे जाके हम लोग को अच्छा जॉब मिलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम लोग को अभी अंधकार में रखा जा रहा है, हम लोग को सिर्फ इस बात पे बोला जा रहा है कि आप लोग वोट दीजिए, हम लोग आगे देख लेंगे। कल ही यानी 16 सितंबर को राज्यसभा में बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को लेकर सही प्रश्न किया, कहा कि हेल्थ वर्करों के इतने पद क्यों खाली हैं? हमारे स्वास्थ्य विभाग के पद है उनको बिल्कुल भराने की कोई व्यवस्था नहीं है। महाराष्ट्र में वैद्यकीय और आरोग्य सेवा के लिए 7,985 पद मंजूर है, अभी भर जो पदों को भरा गया है वो केवल 6,784 है, 1,201 पदों को भरा ही नहीं है। सामान्य सेवा में भी
लगभग 948 पद मंजूर है, पुरानी सरकारों ने, इस सरकार ने भी मंजूर किए होंगे, मगर पद भरना नहीं। पता नहीं पद भरने के बारे में और कुछ भरने की रचना है या क्या है, हम नहीं जानते, मगर पद नहीं भरे गए। तो मान्यवर, गंभीरता के बारे में बहुत सवाल या निशान हम सबके सम्मुख निर्माण होते हैं। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग में 7985 पदों में से 6784 पद भरे गए, 1201 पद खाली। बिहार में उससे अधिक खाली। विनय जी वो भी उठा सकते हैं, या कम से कम ये काम मनोज झा कर सकते हैं। बीबीसी रिपोर्ट है, बीबीसी की, नीरज की, उसका एक हिस्सा बता रहा हूं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसी साल मार्च में विधानसभा के अंदर राजद के विधायक शिवचंद्र राम की तरफ से उठाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि राज्य में चिकित्सा पदाधिकारी के कुल स्वीकृत पद 10,609 हैं, जिसमें से 6,437 पद खाली हैं। यहां स्टाफ नर्स ग्रेड के कुल स्वीकृत पद 14,198 हैं, लेकिन कार्यरत बल महज 5,068 है। एनएनएम नर्स के भी 10,000 से अधिक पोस्ट खाली हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में 40% डॉक्टरों की कमी है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 50% डॉक्टरों की कमी है। अस्पताल की बिल्डिंग और बीमा की पॉलिसी से इलाज नहीं होता है। आप यह भी देखें कि वहां डॉक्टर कितने हैं, एक्सरे की मशीन काम करती है कि नहीं करती है। आए दिन लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि विपक्ष कहां है। चैनलों को एक शो शुरू करना चाहिए जिसका नाम हो विपक्ष यहां है। रोजगार और सरकारी भर्तियों के सवाल को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट करते रहते हैं, आज भी किया है। राहुल गांधी के कई वीडियो भी आ चुके हैं। प्रियंका गांधी यूपी की सरकारी भर्तियों को लेकर आए दिन ट्वीट करते रहती हैं। आप उनसे पूछें कि पंजाब, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की आपकी सरकारें सरकारी भर्तियों को लेकर क्या कर रही हैं, क्या अलग कर रही हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी आए दिन इन सवालों पर ट्वीट करते रहते हैं। सपा और कांग्रेस के लोग सड़कों पर प्रदर्शन भी करते हैं, लाठियां भी खाते हैं, फिर भी लोग कहते हैं विपक्ष कहां है। नाम गौरव कुमार मिश्रा, मैं कानपुर के गरीब मजदूर किसान का बेटा हूँ। आयु निर्माणी बोर्ड, आयु निर्माणिया मुख्यालय कानपुर, आयुध वस्त्र निर्माणी, सभी जगह हमने RTI PMO के थ्रू जवाब मांगा, लेकिन सबका जवाब यही है कि नान करोड़ के कारण आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे माता पिता की उम्र भी, पिताजी की उम्र 67 साल, माताजी की उम्र लगभग 65 साल हो चुकी है, वो ही अत्यंत बुजुर्ग हैं। मैं अपने माता पिता का सहारा भी नहीं बन पा रहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिस कारण मानसिक हालत हमारी बहुत ही ख़राब है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम भी मजदूरी का काम करते हैं, कभी कार्य मिलता है, कभी कार्य नहीं मिलता है। राम सिंह है, मैं जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, और मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग विकलांग हैं, हमारे दो बच्चे हैं, और मैं BSc पास किया हुआ हूँ, और मेरा चयन जो है ऑर्डिनेंस वस्त्र फैक्ट्री शाहजहांपुर में वर्ष 2015 में हुआ था। मैंने बहुत कठिनाई और बड़ी कठिन परिस्थितियों को देखते हुए बहुत मेहनत से पढ़ाई की, फिर भी मेरा जो है मुझको नौकरी नहीं दी जा रही है। गोलगप्पे और बताशे बनाता हूँ खुद, और खुद बनाने के बाद उनको बेचता हूँ। इस तरीके से हमारा परिवार का गुजर बसर चल रहा है। क्या यही आत्मनिर्भर भारत है कि कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने के लिए मेहनत करे, पढ़ाई करे, और उसके बाद जब उसको आत्मनिर्भर बनाने की बात आए तो सरकार उसमें पीछे हट जाए। मेरा नाम रामनिवास है, मैं SSC की तैयारी 2017 से कर रहा हूँ। मैंने SSC का 2017 SSC CGL का एग्ज़ाम दिया, 18 का SSC CGL का एग्ज़ाम दिया, 19 का SSC CGL का एग्ज़ाम दिया। तो 2017 की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई, 2018 का Tier 3 हो चुका है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट के बाद Tier 4 होगा, Tier 4 के बाद DV होता है, DV इस सारे प्रोसेस में अभी तक वो, और उसके बाद में ज्वाइनिंग, तो 1.5 साल अभी और लग जाएगा 2018 के लिए भी। 2019 का एग्ज़ाम का अभी तक Tier 1 हुआ है, तो उसमें भी अभी काफ़ी टाइम लगेगा, 3 साल मान के चलो। तो बात यह है कि मैं 3 एग्ज़ाम में मैं बैठा हूँ, तो बाकी लोग भी कई बैठे होंगे जिनको अभी तक 2017 की ज्वाइनिंग नहीं आई, वो 18 में बैठे हैं, 19 में भी बैठे हैं, ठीक है। तो नए लोग आ रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है, और वैकेंसीज लगातार कम हो रही है, तो उससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। सरकारी भर्ती की परीक्षा अपने आप में यातना शिविर है,
जहां हमारे नौजवानों के सपनों की हत्या होती है। यह सही है कि रोजगार कभी राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता है, अपवाद को छोड़कर कह रहा हूं, लेकिन इस वजह से इन जवानों के साथ ऐसा हो यह ठीक भी नहीं। फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक से सेंस ऑफ हिस्ट्री आती है, प्रेजेंट यानी वर्तमान साफ साफ दिखता है। 21 सितंबर 2012 का यह ट्वीट है नरेंद्र मोदी का कि आप क्यों झूठे वादे करते हैं, प्लीज हैव सम शेम यानी शर्म करो। 2009 में उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ रोजगार आएगा, आया। अगर गुजरात रोजगार दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते, ये मनमोहन सिंह सरकार से पूछ रहे हैं। 25 सितंबर 2013 का ट्वीट है कि जहां भी जाइए यही सुनाई देता है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, उन्हें नौकरी चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष के लोग कहते हैं कि हमें अच्छा प्लंबर और ड्राइवर चाहिए। 26 मार्च 2014 का यह ट्वीट लैंडमार्क है। इसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर कि जब मैं कहता हूं कि युवाओं को नौकरी दो तो वे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता खतरे में है, जब मैं कहता हूं महंगाई कम करो तो वे कहते हैं पहले धर्मनिरपेक्षता। आज इसी को बदलकर पूछा जा रहा है कि मैं कहता हूं नौकरी दो तो वो कहते हैं राष्ट्रवाद खतरे में है। गुजरात से हमारे एक मित्र ने खबर की क्लिपिंग भेजी है, दिल्ली वालों के लिए एक्सप्रेस और अहमदाबाद मिरर में भी अंग्रेजी में यह खबर है। कोविड गाइडलाइन का पालन ना करने के कारण अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 32 टी स्टॉल को सील कर दिया है। निगम के दौरे के चलते 1124 चाय वालों ने अपने स्टॉल खुद ही बंद कर दिए। सील होने का डर होगा, चाय वालों को भी मास्क लगाना है और सामाजिक दूरी का पालन करना है, किसी को छूट नहीं है। नेता लोग कहां पालन करते हैं, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष की रैलियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्या उनकी रैलियां सील हुई, नहीं ना, 32 चाय की दुकानें सील हो गईं। चाय वाले की दुकान सील हो जाए और वह बेरोजगार हो जाए, इस खबर को कैसे बर्दाश्त किया जाए, वो भी 17 सितंबर के दिन, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब करते हैं रेलवे की बात। हमारे रेल मंत्री बहुत काम करते हैं, उनके ट्विटर अकाउंट से तो यही लगता है, वैसे ट्वीट करना भी अपने आप में काम है। इस ट्वीट में रेल मंत्री बता रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों की शुरुआत हुई। इतनी नजर है कि कहां लिफ्ट का उद्घाटन हो रहा है, कहां एलिवेटर सीढ़ियों का उद्घाटन हो रहा है, क्या बल्ब लगाने और बेंच लगाने की तस्वीरों को रेल मंत्री ही ट्वीट करेंगे, क्या रेल मंत्री रोजगार पर बात करना चाहेंगे, वो क्यों नहीं बताते कि उनकी परीक्षाएं समय पर क्यों नहीं हो पाती हैं, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पाती है। एशिया विले न्यूज में दिलीप खान ने एक रेलवे की बहालियों पर एक रिपोर्ट लिखी है। दिलीप ने अपने मन से रिपोर्ट नहीं लिखी है, बल्कि लोकसभा में मंत्रालय ने जो लिखित रूप से जवाब दिया है उसके आधार पर लिखी है। यह सवाल सांसद संगम लाल गुप्ता जी ने पूछा था, जिसके जवाब में रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे में ग्रुप सी और डी के 2,90,000 पद खाली हैं। 2018-19 में मंत्रालय ने ग्रुप सी और ग्रुप डी में मात्र 6,493 लोगों को ही नौकरियां दी। ग्रुप सी से 2.5 लाख कर्मचारी रिटायर हुए मगर भर्ती हुए मात्र 83,000, अब तक का वो डेटा होगा। 2014-15 से 2018-19 के दौरान 2,74,075 लोग रिटायर हुए, जबकि मोदी सरकार ने इस दौरान मात्र 1,84,262 लोगों को ही नौकरियां दी। मध्य प्रदेश के नौजवान भी परेशान हैं। सितंबर 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 30,000 से अधिक पदों का विज्ञापन निकाला। धरना प्रदर्शन के बाद फरवरी मार्च 2019 में परीक्षा हुई। उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा का परिणाम 28 अगस्त 2019 को आया। इसके लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा, कोर्ट मुकदमा हुआ, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मैं मध्य प्रदेश का एक होनहार बेरोजगार 2018 शिक्षक पात्रता परीक्षा का चयनित अभ्यर्थी हूं। 2011 से शिक्षक बनने का सपना अपने आंखों में संजोए हुए, लेकिन आंखें तब खुलती है जब सरकार केवल कोरी घोषणाएं करती है। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा अंतिम बार 2011 में हुई थी। नियमानुसार हर 3 वर्ष में शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ, राजनीतिक स्वार्थ के चलते यह परीक्षाएं होती नहीं है। इसे अंतिम बार राजनीतिक वोट बैंक के चलते 2018 चुनावी दौर में निकाला गया था, जिसमें
वर्ग एक उच्च माध्यमिक शिक्षक व वर्ग दो माध्यमिक शिक्षक के क्रमशः 19,200 व 11,374 पद के नोटिफिकेशन निकाला गया था। 2019 फरवरी मार्च में परीक्षाएं हुई थी। रिजल्ट 2019 में 28 अगस्त को वर्ग एक का आया हुआ था। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के बाद 2020 में इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की गई। काउंसलिंग प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 से 3 जुलाई 2020 तक के चल रही थी, जिसमें लगभग 30% चयनित अभ्यर्थियों ने अपना दस्तावेज सत्यापन करवाए थे, लेकिन सरकार के द्वारा लोक परिवहन व कोरोना के आड़ लेकर इस भर्ती को पुनः ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यूपी के नौजवान अनेक परीक्षाओं और उनकी ज्वाइनिंग को लेकर तो परेशान ही थे, अब उनकी परेशानी में एक और कारण जुड़ गया है। अमर उजाला में खबर छपी कि यूपी सरकार ऐसे नियम बनाने जा रही है कि सरकारी नौकरियों में 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना होगा संविदा पर, ठेके पर 5 साल के बाद काम करने के बाद समीक्षा होगी उनके कामकाज की और छटनी होगी। फिर सरकारी परीक्षा का क्या मतलब जब 5 साल तक संविदा पर नौकरी देनी है और हटा देना है। इस खबर को पढ़ते ही नौजवानों के होश उड़ गए हैं। इलाहाबाद में मशाल जुलूस लेकर प्रदर्शन हुआ, वीडियो भेजा गया कि हम जागरूक हो गए हैं, आप योगी जी से निवेदन करें कि वे ऐसा ना करें, 5 साल तैयारी में, 5 साल संविदा में और उसके बाद निकाल दिए गए तो क्या करेंगे। आज भी इलाहाबाद में प्रदर्शन हुआ और लाठीचार्ज की खबर भी आई। सबसे पहले संविदा एक प्रकार का अभिशाप है हम युवाओं के लिए। ये कोरोना के बाद दूसरी सबसे बड़ी महामारी होगी जो हमें हर तरह से मानसिक प्रताड़ना देगी, और संविदा से हर दिन महिलाओं के लिए खास करके ये यहाँ पे मानसिक आर्थिक शारीरिक शोषण होगा, कि यहाँ पे जो हमारे उच्च पद पर बैठे अधिकारी होंगे वो हर तरह से हमारा शोषण करने की कोशिश करेंगे। नेताओं के लिए ये संदेश है, सबसे बड़ा संदेश है और बहुत साधारण सी बात है कि अगर एक कर्मचारी सरकारी विभाग में नौकरी नहीं कर सकता है तो हमारे नेता विधायक मंत्री ये 60-70 साल के ये देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो इनको भी रिटायर किया जाए और चुनाव लड़ने की आयु कम किया जाए, और या तो फिर हमें 60-50 साल में रिटायरमेंट न दी जाए। आप लोग देख सकते हैं प्रयागराज में हमारे सभी साथी अमरेंद्र सिंह, अनिल सिंह, सभी साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये अतताई सरकार संविदा के खिलाफ हमको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है। हम शांतिपूर्वक मास्क लगा के अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं तमाम साथी हमारे हैं यहाँ पे गिरफ्तार हो चुके हैं, और आप लोगों से मीडिया कर्मियों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, संविदा का ये जो प्रोटेस्ट भाषण चौराहे पे चल रहा है इसको कमजोर मत होने दीजिए। प्राइवेट कंपनियां भी 3 महीने में नौकरी पक्की कर देती हैं। यहाँ सरकार कह रही है कि 5 साल ठेके पर रखेंगे, स्थायी सेवा का लाभ नहीं देंगे और 5 साल बाद लायक होंगे तो रखेंगे, बाकी को छांट देंगे। लेकिन क्या ये सिस्टम पंजाब में नहीं है? क्या ये दूसरे राज्यों में नहीं है? गुजरात में ऐसी व्यवस्था हुई थी, फिक्स पे सिस्टम कहते हैं। आपको जानना चाहिए कि फिक्स पे सिस्टम से क्या हुआ था। अहमदाबाद मिरर और इंडियन एक्सप्रेस की पुरानी रिपोर्ट के अनुसार 4 लाख कर्मचारी फिक्स पे सिस्टम के तहत भर्ती किए गए। 14 साल तक फिक्स पे पर काम करते रहे। जनहित याचिका दायर हुई 2012 में, गुजरात हाईकोर्ट ने फिक्स पे सिस्टम को गैर कानूनी घोषित कर दिया और कहा कि इन्हें स्थायी सेवा के सहयोगियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। गुजरात सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप इन्हें समान वेतन नहीं दे सकते तो खुद को दिवालिया घोषित कर दीजिए। 7 दिसंबर 2016 के अहमदाबाद मिरर में इस फैसले की खबर छपी है। गुजरात सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन देना पड़ा तो सरकार को 8,000 करोड़ का खर्चा आ जाएगा। गुजरात में 4 लाख कर्मचारी इस सिस्टम में नियुक्त किए गए थे। इस मुद्दे को लेकर हमने हाईकोर्ट में मामला दर्ज करवाया था और 2012 में हाईकोर्ट ने इस प्रथा को नाबूद करने का निर्देश भी दे दिया था, किंतु सरकार ने इस निर्देश को न मानते हुए इस मामले को वो सुप्रीम में लेकर गई थी और अभी भी ये केस सुप्रीम में चल रहा है। इस फिक्स सिस्टम के कारण कई हजारों और लाखों युवाओं को अन्याय हो रहा है गुजरात में, और
इक्वल वर्क और इक्वल पे का जो कानून है उनका भंग भी हो रहा था, और इसलिए हमने 2015 से 17 तक मेरी टीम ने गुजरात में इस मुद्दे को लेकर गुजरात सरकार के सामने आंदोलन किया, गुजरात सरकार के सामने एजिटेशन किया, और उस आंदोलन के बाद गुजरात सरकार ने जिस कर्मचारी का 7,000 जिसका मासिक वेतन था उसका 20,000 कर दिया, और जिन कर्मचारी का 13,000 मासिक वेतन था उनका 40,000 मासिक वेतन सरकार के द्वारा किया गया। किंतु अभी भी न तो उन कर्मचारी को रेगुलर गिना जाता है 5 साल तक, और न तो उनको कोई सरकारी लाभ मिलता है। इसलिए सवाल परीक्षा सिस्टम में सुधार का तो है, लेकिन वहीं तक सीमित नहीं है। नौकरी की शर्तों का भी सवाल है, पेंशन का भी है, सुरक्षा का भी है, समस्या विकराल है। जब भी रोजगार का सवाल आता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में 3 चीजों की सामग्री बढ़ा दी जाती है, सांप्रदायिक सामग्री, आरक्षण विरोधी सामग्री और आबादी को खलनायक बनाने की सामग्री, की इसकी वजह से, वरना तो रोजगार की कोई कमी नहीं है। जब भी नेता फेल हो जाते हैं वो आबादी करने लगते हैं, मगर हमेशा ऐसा नहीं था। आज हमारा भारत पूरी दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% से ज्यादा लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। युवा शक्ति की यह अपार ऊर्जा देश का भाग्य बदल सकती है, पूरे देश को ऊर्जावान बना सकती है। सवाल यहां आबादी का नहीं है, व्यवस्था का है। जो भर्ती निकली है वो पूरी क्यों नहीं होती है? 10 जनवरी 2019 की हिंदू बिजनेस लाइन की एक खबर दिखाता हूं। इस खबर के अनुसार यूनिवर्सिटी, रेलवे, पुलिस, पोस्टल और स्कूल, न्यायपालिका और अन्य विभागों में 28 लाख पद खाली हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के खाली पदों को भी शामिल किया गया है। भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश के एम्स में ही फैकल्टी, नॉन फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टर मिलाकर 20,000 से अधिक पद खाली हैं। लोकसभा में सरकार ने बताया था कि अप्रैल 2018 तक 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 17,092 मंजूर पद हैं, जिनमें से 5600 से अधिक पद खाली हैं। मार्च 2017 में पूर्व मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तो लोकसभा में बयान दिया था कि एडहॉक शिक्षकों को साल भर के अंदर पक्का कर देंगे। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जुलाई 2019 में कहा था कि 6 महीने के अंदर सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे, युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा। वैकेंसीज इन यूनिवर्सिटीज इज अ सीरियस इश्यू एंड देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर इट, बट लेट मी टेल यू एट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज व्हिच आर 41 इन नंबर देयर इज 20% वैकेंसीज, एंड एज यू सेड पार्ट टाइम इज नॉट आवर पॉलिसी। Our policy is permanent employment, and therefore in Delhi University case, where there were more than 9,000 ad hoc post, we have made it compulsory that they have to, and there was a court case also, and now the solution is that within 1 year, all these posts will be made permanent and not temporary. And even those who are appointed part-time or temporary ad hoc post, they are paid regular salary of the assistant professor. So there is no discrimination, and we want to fill up, and we have taken so many measures to fill all the vacancies. नियुक्तियां हमने कह दिया है, अगले 6 महीने के अंदर अंदर सभी पद रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये बहुत ताकत के साथ किया है, और उसके लिए बिल लाए श्रीमान, जो भी संशोधन करना था उस संशोधन को भी किया। लेकिन जिन भी माननीय सदस्य की ये चिंता है, स्वाभाविक चिंता है श्रीमान, कि यदि अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ाई कहां से होगी। लेकिन उसकी कुछ वैधानिक कठिनाइयां थी, अब वो वैधानिक कठिनाइयां भी दूर हो गई हैं। हम युद्ध स्तर पर इनको करेंगे श्रीमान। क्या ऐसा हुआ? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के 9,000 शिक्षक परमानेंट कर दिए गए? केंद्र से लेकर राज्य सरकारों में लाखों की संख्या में पद खाली, उन पर भर्ती नहीं होती, उनकी संख्या का पता नहीं चलता। इस साल के बजट में कहा गया था, केंद्रीय बजट में, कि सरकारी और पब्लिक सेक्टर बैंकों के अराजपत्रित पदों की बहाली व्यवस्था में सुधार लाई जाएगी। फरवरी वाले बजट में एक नई एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी, जिसकी घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री ने की। लेकिन इस वक्त रेलवे और एसएससी की जो परीक्षाएं अटकी हुई हैं,
जो नहीं हो रही हैं, जो हो चुकी हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, उनमें देरी क्यों हुई? वो क्यों नहीं तुरंत बिजली की गति से हो सकती है? सब कुछ धीमी गति से हो रहा है। सिर्फ परीक्षा और भर्ती का सवाल नहीं है, कई परीक्षाएं तो घोषणा के बाद लापता हो गई। रोजगार का स्वरूप ही बदल गया है, ना सामाजिक सुरक्षा है ना भविष्य की सुरक्षा। सांसद विधायक के पास पेंशन है, उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, आपके लिए है। त्रिपुरा का एक केस बताता हूं। 26 जुलाई को धनंजय महापात्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखी है यह रिपोर्ट। त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह 10,000 पोस्ट ग्रेजुएट को चपरासी, दरबान, गार्ड, रसोईया और लोअर डिविजनल क्लर्क में नियुक्त करना चाहती है। ये सभी शिक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए थे 2010 से 2014 के बीच, लेकिन नियमों में गड़बड़ी पाए जाने के कारण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्तियां रद्द कर दी थी। ये खेल भी कई लेवल पर होता रहता है। रोजगार के सवाल पर रेटिंग भी नहीं आती है, व्यूज भी नहीं मिलते हैं। नौजवानों को पता होगा कि लोग इन दिनों क्या देख रहे हैं, उनके घरों में क्या देखा जा रहा है, क्या उन्होंने अपने देखने का तरीका बदल लिया है। ये बड़ा मुश्किल काम है, इसका जवाब युवा ही दे तो बेहतर है। 3 महीने से जिस देश के चैनलों पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के नाम पर कवरेज हो रहा है, उस देश में रोजगार मुद्दा नहीं हो सकता है। वैसे युवाओं ने कोशिश अच्छी की, कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड व्रेंड कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। 5 अगस्त को नए भारत का उदय हो चुका है। ब्रेक के बाद देश में कोरोना के संक्रमित मामलों की संख्या 51 लाख से अधिक हो गई है। 17 सितंबर की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 97,894 नए मामले आए हैं। अब तक कुल मामले 51,18,253 हो चुके हैं। देश में एक्टिव मामलों की संख्या पहली बार 10 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,132 मरीजों की मौत हुई है। कुल मौत 83,198 हो गई है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मेहनत मेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, उनकी मेहनत की वजह से आज देश में मोर्टिलिटी रेट कम है, मरने वालों की दर कम है। सरकार खुद कई बार मान चुकी है कि मेडिकल स्टाफ की मेहनत की वजह से यह संभव हुआ है, लेकिन चिंता की बात है कि कोरोना की वजह से कितने मेडिकल स्टाफ की मौत हुई है उसका भी डेटा सरकार के पास नहीं है। बताइए तो है क्या, जिनके लिए हमने थाली बजाई, आकाश से पुष्प वर्षा कराई, उनका डेटा नहीं। लेकिन अब जब संसद में सरकार से पूछा गया कितने डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर की मौत कोरोना से हुई है, तो सरकार ने कहा हमारे पास डेटा नहीं है। स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, देश के डॉक्टरों ने इसे सरकार का पाखंड करार दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है, कहा है कि समय समय पर सरकार को डेटा दिया गया है। विडंबना है, डॉक्टर, एक मेरा साथी, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स सारे देश की सेवा में जुटे हुए हैं, और हमारा अगर हमारे को स्टेट सब्जेक्ट की तरह बांट दिया जाए, इससे बड़ी विडंबना कोई इस मेडिकल सिस्टम की हो नहीं सकती। और विडंबना ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्री खुद एक डॉक्टर हैं,